महान लेखक ओ हेनरी द्वारा लिखी कहानी आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि 20 साल बाद। एक पुलिस अधिकारी बड़ी तेजी से सड़क पर गश्त लगा रहा था। हल्की हल्की बारिश तथा ठंडी हवा के कारण सड़क पर बहुत कम आदमी नजर आ रहे थे। पुलिस अधिकारी सड़क के एक छोर पर एक आदमी को देखता है जो अपने मुंह में बिना जला हुआ सिगार दबाए झुककर खड़ा था। पुलिस अधिकारी उसकी तरफ बढ़ा। पुलिस अधिकारी उसके करीब ही पहुंचता है तभी वह आदमी बोल पड़ा, सब ठीक है ऑफिसर, मैं यहाँ एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने और मेरे दोस्त ने 20 साल पहले आपस में यहाँ मिलने का वादा किया था। यह अजीब लगने वाली बात तो है पर यह सच है। इतना कहकर वह आदमी माचिस की तीली जलाकर सिगार सुलगाने लगा। जलती हुई तीली के उजाले में पुलिस अधिकारी ने आंखों में चमक लिए उस आदमी का पीला चेहरा देखा। उसकी दाहिनी आंख के ऊपर एक छोटा सा दाग था। उसकी टाई में लगी पिन पर एक बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ था। उस आदमी ने दोबारा कहना शुरू किया, आज से 20 साल पहले इस जगह बिग जो नाम का रेस्टोरेंट हुआ करता था, जहां मैंने और मेरे सबसे प्रिय दोस्त जिमी ने यह निश्चय किया था कि अगली सुबह 20 सालों के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और 20 साल बाद इसी समय हम फिर मिलेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही दूर से क्यों ना आना पड़े तथा हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हम दोनों यह देखेंगे कि इन 20 सालों में हमने अपने जीवन में क्या कुछ पाया है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी ने कहा, यह तो बहुत ही दिलचस्प बात लगती है, पर क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आएगा? वह आदमी बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि जिमी जीवित होगा तो मुझे मिलने जरूर आएगा। मैं 1000 मील दूर से उसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। पुलिस अधिकारी वहां से जाने लगा और जाते हुए उसने पूछा, तुम अपने दोस्त का कितनी देर और इंतजार करोगे? उस आदमी ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। मैं उसका यहाँ आधा घंटे और इंतजार करूंगा। गुड नाइट ऑफिसर। गुड नाइट, पुलिस अधिकारी ने कहा और वहां से चला गया। करीब 20 मिनट बाद एक ओवरकोट पहने लंबा आदमी उस आदमी की तरफ आया। उसने पूछा, क्या तुम बॉब हो? इंतजार करने वाले आदमी ने खुशी से लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम जिमी वेल्स हो? उस लंबे आदमी ने खुशी से उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, हाँ बॉब, चलो अब किसी अच्छी जगह पर बैठें और बीते दिनों की बातें करें। और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए चल पड़े। चलते चलते वे एक दवाइयों की दुकान के आगे रुके और एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए मुड़े। बॉब को उस लंबे आदमी का चेहरा देखकर कुछ संदेह हुआ। फिर वह अचानक गुस्से में भड़क कर बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो सकते। मैं मानता हूं कि 20 सालों का समय बहुत अधिक होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि एक आदमी की नाक चौड़ी से पतली हो जाए। इसके जवाब में उस लंबे आदमी ने कहा, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन 20 सालों में एक अच्छा आदमी बुरा आदमी बन जाता है। 20 साल पहले तुम एक अच्छे आदमी थे, लेकिन आज एक बुरे आदमी बन गए हो। खैर, या कागज लो और पढ़ो। बॉब ने कागज का टुकड़ा उसके हाथ से लिया और पढ़ने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। कागज में लिखा था, बॉब, हमने जहां मिलने का वादा किया था वहां मैं बिल्कुल ठीक समय से पहुंच गया था, पर जब तुमने सिगार सुलगाने के लिए तीली जलाई तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस कर रही है। तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करने का काम मुझसे ना हो सका। अब मैंने पुलिस के ही दूसरे आदमी को सादे कपड़ों में तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है, जिमी।